दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ ये आपका घर नहीं मेरा भी घर है। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। शुक्ला बाबूजी के घर का बहुत रुतबा था मोहल्ले में। बनारस के पुराने मोहल्ले बंगाली गोला में कई पुर के पहले निवास था शुक्ला बाबू के परिवार का। परिवार के रुतबे के अनुसार पुरानी हवेली जो पुरानी थी तो लेकिन नए बने भवनों के स्वर्गीय को भी मात दे इतने जतन से उसको सजाया था शुक्ला जी ने। उनके दादाजी द्वारा बनाई ये हवेली आज भी इस प्रौढ़ स्त्री के भांति अपने स्वर्गीय के पद को सिर का ताज बना इठलाती हैं, जिसके सामने नवयुक्ताओं को अपने स्वर्गीय और उसके परवाह पर एक बार शक जरूर हो जाए। आइए ले चलती हूँ घर के अंदर शुक्ला जी। जितने सीधे स्वामी शुक्लानी मतलब कुमुद जी शुक्ला जी की पत्नी शुक्लाइन इसलिए कहा कि दूध वाले से लेकर सौराहे पर बसे दुकान वाले उन्हें शुक्लाइन ही कहते। ये एक तमगा था जिससे उन्हें नवाजा गया था, इससे वो खुश भी होती। उतनी ही बसाल पूरे घर को अपने काबू में रखने का और उसके लिए किसी का भी दिल दुखाने का अजीब सा सनक उनके सर पर सवार रहता। अपने रहन सहन और अच्छे खाने पीने की वजह से इन घर स्वामिनी का बदन खूब थुलथला हो गया था। सटक रंग की साड़ियां, मांग में सिंदूर और माथे पर जरूरत से बड़ी बिंदी, सब कुछ मिलाकर उनका व्यक्तित्व प्रभावित था। उस पर सनकती हुई कर्कश आवाज के लोग की बात कर छोड़ दे मोहल्ले में बसे दुर्भाषी। बंगाली परिवार और नौकर साकर भी बेहखाते। अब घर के अन्य सदस्य दो कारोबारी बेटे अनुरुद्ध और अभिमन्यु माँ के बातों को शर्माते धरने वाले क्या मलाज की माँ के विरोध में जाकर बीवियों के किसी बात पर हाँ कह दे हिम्मती नहीं। अब बहुओं की बारी, बड़ी बहू सुनंदा बहुत प्यारे सुलझी और संचकारी कुमुद जी को बहुत पसंद है क्योंकि वो जो कहती उसे सुनती। उसके बाद भी कुमुद जी पूरे जमाने का गुस्सा उस पर निकालती और वह मुस्कुरा कर रह जाती। 2 साल पहले आई छोटी बहू मिताली इस घर में आई तो इस आंगन का आबो हवा उसे ना भाया, लेकिन मायके वालों ने सिखाया कि ससुराल ही अपना घर है, कैसे भी निभाना बस उसी कोशिश में लगी है। आज तक बड़ी बहू के 2 बच्चे भी, एक बेटा रोन और बेटी नेहा, बहुत प्यारे बच्चे हैं। वो देख के उधर सत पर कितने प्यारे से खेल रहे हैं। ये हो गया परिचय इस घर का, कैसे लगे आपको घर वाले? ओह कुछ आवाज आई टूटने की शायद, और गृह स्वामिनी के जोर जोर से सिलाने की भी। आइए चलते हैं घर के आंगन, क्या हुआ जानते हैं? ये क्या क्यों राधा, इतना महंगा गिलास का सेट तोड़ दिया? रोज रोज इस टूट फूट से तो हम थक गए हैं, अब देओ 1000 रुपया। अम्मा गलती से हाथ से टूट गया, 2 ही टूटे हैं, हमको माफ कर दीजिए। राधा जो फुल टाइम इस घर की नौकरानी ही गिल गिलाती हुई बोली, ना भाई हमारा पैसा लाकर दो, नहीं तो काम छोड़ दो, हम नहीं जानते ये माफी वापी का होती है। कुमुद जी की बातें सुन राधा की आंखों में आंसू आ गए। स्यार बच्चों को अकेले इस घर के दम पर ही पालती आ रही है दोनों भाभियों की वजह से। थोड़ा समय बच्चों को देखकर दिन भर के लिए यहाँ आती और शाम होते दोनों भाभियाँ कुछ काम अपने जिम्मे लेकर उसे छोड़ भी देती कि
तू अपने बच्चों के पास जा, छोटे छोटे हैं, तेरी रात आकते होंगे, हर शाम को कुछ भी रसोई में बस जाता। सास की नजरों से बसाकर उस निरी मासूम को पकड़ा देती, वो उस सामान को अपने आसल में ऐसे सिपाती जैसे अपने कलेजे के टुकड़े को किसी तूफान से बसा कर रखा हो। कुमुद जी उसके एक एक मिनट का हिसाब रखती और हर समय पैसे काटने की धमकी देती। वो चुपचाप खड़ी थी और कुमुद जी उसे लगातार कड़वी बातों का प्रसाद दिए जा रही थी। मिताली देख रही थी, वो गिलास इतने महंगे भी नहीं थे। देखो चीची, माँ झूठी उस बिसारी को डांट रही है, स्यार पांचों के गिलास के सेट को हजार का बता रही है। अपनी जटानी से बुदबुदाती हुई बोली तो सुनंदा बोली, जाने दे मिताली, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ बोलेंगे तो माँ हमारी ही खैर खबर लेने लगेगी। लेकिन जाने आज मिताली को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, एक गरीब निहीर को माँ इतना सुना रही जिसे तकदीर की इतनी मार पड़ी कि वो इतने कम उम्र में ही सौभाग्यवंत हो गई। ऊपर से दुनिया का सबसे बड़ा दुख गरीबी। मिताली आगे आई और बोल पड़ी, माँ जी अब बस भी कीजिए, ऐसा भी क्या हो गया, लगातार आप उसे सुनाए जा रही हैं, दो ही गिलास टूटे हैं, कौन सा राज खजाना लूट गया। उसकी बातें सुन कुमुद जी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसके एक सत्र सता को सुनोती अक्सर छोटी बहू से मिलती रहती थी, लेकिन इस तरह एक नौकरानी के सामने अपने सारे अस्त्र शस्त्र निकाल वो तैयार हो गई इस युद्ध के लिए। और सबसे बड़ा हथियार मायके को भला बुरा का ना, सुप हो जा छोटी बहुरिया, ये सब तुम्हारे घर में सलता होगा या तुम्हारा ससुराल है, समझी तुम लोग सड़ाते होंगे नौकर साकर को अपने सर पे, ये तुम्हारा ससुराल है। उसकी बातें सुन मिताली को दुख हुआ, मेरा घर मेरा मायका है या ससुराल। माँ जी जब आप कर्तव्य निवंत की बात आती है तो ये कह जाता है ससुराल हमारा घर है और उसके सारे दायित्व हमारे, और जब अधिकार की बात आती है तो अचानक घर से सिर्फ ससुराल बन जाता है और तब हमारा मायका हमारा घर हो जाता है। माँ जी ये मेरा ससुराल नहीं मेरा घर है, और या अच्छे या बुरे किसी भी बात में मैं बोलूंगी, इस घर के हर निर्णय में मेरा विचार देना मेरा अधिकार है। और जहाँ तक राधा की बात है, आप उसे बेमतलब का सुना रही हैं, क्या आपके हाथ से कभी कुछ भी नहीं टूटता माँ जी। मिताली की बात सुन कुमुद जी शांत हो गई, क्या कहती कि ये बहुओं का घर नहीं, उस हिसाब से ये घर उनका भी नहीं था। बड़ी बहू को देखा तो आज उसकी आंखों में मौन सहमति थी मिताली की बातों के लिए और मौन विरोध की सिगारी थी। उनके लिए शुक्लाइन जी वसाल के साथ सातुर्य गुण के भी धनी हैं। बस फिर क्या था, अपने अस्त्र शस्त्र अपने झोली में वापस रख बैठ गई, आंगन में पड़े खटिया पर बैठ गई। ओ मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, कोई कड़क सी साए दो भाई, और राधा जा आज तुझे छोड़ दिया, सर में दर्द था ना तो आज तेरी खैर ना थी, जा अपने काम खत्म कर। बड़ी बहू जरा बाम ला, भाई मेरे सर में मल दे और सोटी जा, तू साए बना कर ले आ, अपने इस सतराई भरे स्वाद से नाप रही है अपने सता के दमक को कि क्या सब ठीक है, या कोई ईट खिसकी तो नहीं उनके साम्राज्य की। नहीं सब ठीक है, साम्राज्य अभी भी कायम है, क्योंकि बड़ी बहू बाम लेकर आई और सोटी ने फट से साए सड़ा दी। साए का गिलास पकड़े हुए
मुस्कुराकर खुश हो रही थी कि आज साम्राज्य का किला धराशायी होने से बसा। अब बहुत सोच समझकर बोलना होगा और अपने पुराने हथियार को भी बदलना होगा या उनकी धार पौनी करनी होगी। इधर साम्राज्यवादी को सजोने की तैयारी चल रही है और वो देखे दोनों बहुओं को खुश हो रही है कि सासू माँ के साम्राज्य में आज सेध लगा ही ली। तो दोस्तों, ऐसी टेढ़ी सास को तो ऐसे ही सीधा करना चाहिए। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।